गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स इंस्टीट्यूट सीकर। आई एम मंसूर अहमद। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है द होप, इसके मैंने दो स्टेंजर्स के बारे में आपको कल बता दिया, डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट वन आवर थर्ड स्टेंजर इज गोइंग ऑन, तो ध्यान लगाना इधर। इट इज द होप दैट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ये जो एक बात है, सेंटेंस है, जो लाइन दो बता रहा है, इसका सब्जेक्टिव मोड हो रहा है इट और एंड हो रहा है ब्लूम पे। तो इट इज द होप, ये उम्मीद ही है, ये उम्मीद ही है दैट मेक्स ए बड। बड का जो ट्रांसलेट देखे हम, वो होता है कली। जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसकी जो छोटा जो मतलब रूप है उसको बड कहा जाता है। तो ये होप ही है जिसके कारण से एक जो कली है, एक जो बड है, स्टे ऑन। स्टे ऑन का मतलब होता है रुके रहना, रुके रहना या डटे रहना। ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, यानी जो पेड़ या किसी पौधे की ब्रांच पे अगर कोई बड रुक रहा है या कोई कली रुक रही है, और फिर लास्ट में क्या होता है, वो खिल जाता है। किस उम्मीद में रुके रहता है कि एक दिन इट विल बी ब्लूम, यानी ये खिल जाएगा, खिलना। ओके, मतलब एवरी बर्ड विल बिकम ए फ्लावर वन डे, इट इज होप। नेक्स्ट वन, ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप। जितने भी जो पेड़ है वे अपनी जो पत्तियां है वो गिरा देते हैं। यहाँ लॉस का मतलब होता है गिरा देना, फॉल करना। तो जितने भी जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इस उम्मीद के साथ दैट कि वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडन विथ ग्रीन हूज। लेडन का मतलब स्टूडेंट होता है लदे होना, और ग्रीन का मतलब हरे, हूज का मतलब कलर। हूज का मतलब यहाँ क्या है, कलर। तो पेड़ पौधे अपनी जो पत्तियां है वो इस उम्मीद में गिरा देते हैं कि एक दिन वो लदे होंगे किससे, हरे कलर से, यानी हरियाली उन पे वापस आ जाएगी। इस उम्मीद में वो क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वाले में मैंने बात की है बड़ की, कली की। नीचे वाले में हमने बात कर ली है ट्री की। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, होप एंड लाइंटन्स। एनलाइंटन्स का मतलब होता है रोशन करना, यानी प्रकाशित करना। होम एनलाइंटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। थ्रोफेयर्स का मतलब होता है वेज, यानी रास्ते। होप हमारे जो जीवन के अंधेरे रास्ते हैं या दुखी रास्ते, दुख वाले जो रास्ते हैं उनको रोशन करती है। यानी जैसे मान लो कि हम किसी टेंशन में हैं, अचानक से हमारे पास में कोई होप आ गई, तो होप आते हमारा जो जीवन के जो दुखी रास्ते, ग्लूमी रास्ते हैं, उनको ये होप क्या कर देती है, एनलाइटन कर देती है, मतलब रोशन कर देती है। एंड मेक्स, ये मेक्स है वो वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कौन है, ये होप से जुड़ा हुआ है। तो होप मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्म्थ ऑफ द डे अहेड। यानी एक ये जो उम्मीद है ये हमारे अंदर भरती है, फील हमें महसूस करवाती है द फ्रेशनेस। फ्रेशनेस का मतलब ताजगी, एंड वार्म्थ, वार्म्थ का मतलब गर्माहट, उत्तेजना। ऑफ द डे अहेड, डे अहेड का मतलब आने वाले समय के लिए। होप हम, मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इसका मैं आपको ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ, समझना कि होप मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्म्थ ऑफ द डे अहेड। यानी उम्मीद हमारे आने वाले जो दिन है, ये फ्यूचर के डेज के लिए है, फ्यूचर डेज, आने वाले जो दिन है उनमें क्या भर देती है, फ्रेशनेस यानी ताजगी, एंड वार्म्थ यानी उत्तेजना या गर्माहट। तो उम्मीद हमारे अंदर आने वाले दिनों के लिए ताजगी या उत्तेजना भर देती है। तो यहाँ हमने देखो, पहले बात की है मैंने बड की, बड का मतलब कली मैंने बताया है, इसका बताया कि उम्मीद के कारण ये ब्रांच पे
स्टे रहती है, ओके, और लास्ट में क्या हो जाती है, ब्लूम हो जाती है। ब्लूम का मतलब मैंने आपको बताया खिलना, तो मैंने कहा है कि एवरी बर्ड विल बिकम ए फ्लावर वन डे, इट इज द होप, ओके। नेक्स्ट वन, ट्रीज लॉस, यानी ट्रीज के बारे में बात किया है, पेड़ों के बारे में बात किया है, वो क्या करते हैं, अपने जो पत्ते हैं वो खो देते हैं, गिरा देते हैं, लॉस लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, किस उम्मीद में कि एक दिन वो जो है वो लदे रहेंगे, लेडन लदे रहेंगे, किससे, ग्रीन हूस से, हूस का मतलब मैंने बताया कलर, और ग्रीन का मतलब हरे, तो ये आपस में मिलके पूरा हरियाली बन रहा है, तो ये लदे रहेंगे। होप एनलाइटन्स, एनलाइटन्स मतलब रोशन करना, तो हमारे जो ग्लूमी वेज है, ग्लूमी वेज उनको क्या करता है, ये एनलाइटन्स करता है, यानी रोशन करता है, और इसी के साथ हमारे जो फ्रेशनेस है और हमारे अंदर जो वार्मथ है उसको ये भर देता है। तो होप के बारे में हमारे पास में जो जो बर्ड है उनके बारे में आ गया है, एक स्टेंजा इसको और बच गया है, उसमें बताया गया है कि इंसान का जो जीवन को आगे कैरी ऑन किस प्रकार से ये होप करता है। इसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब करना चाहता है कि एवरी एंड ईच लाइफ इज डिपेंड अपॉन होप, वॉट एवर ह्यूमन बींग और वॉट एवर बर्ड्स और बर्ड ये ट्रीज, ओके फ्रेंड्स। तो ये अपने पास में एक स्टेंजा था।